स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर मधेपुरा से है, जहां जिले के उदाकिशुरगंज के रामपुर खोरा पंचायत में पूर्व मुखिया सह राजद नेता ललन कुमार उर्फ लाल यादव हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल कुख्यात रमेश गोस्वामी उर्फ रमेश गोसाई को गिरफ्तार कर लिया है। उसी गिरफ्तारी पुलिस ने नाटकीय ढंग से मुख्यालय के फुलौत चौक के पास से किया है, जिसका घर थाना क्षेत्र के पिपरा करौती वार्ड नंबर 2 में है। गिरफ्तार बदमाश के संबंध में SDPO सतीश कुमार ने बताया कि वह दुर्दांत अपराधी है। उसने लाल हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसके अलावा गिरफ्तार अपराधी ने पुलिस के सामने कई राज खोले हैं। गौरतलब हो कि 25 जनवरी 2022 को लाल यादव की हत्या बदमाशों ने उनके निजी नर्सिंग होम पर दिन दहाड़े कर दी थी। हत्याकांड से बड़ा बवाल मचा था। उसके बाद पुलिस ने इस घटना के कुछ दिन बाद ही 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। वारदात की हर पहलुओं की अनवरत जांच जारी है। पुलिस को पल पल घटना में नई जानकारी मिल रही है। घटना का मुख्य सूत्रधार उदाकिशुनगंज के रामबाग के अजीत मेहता बताए जा रहे हैं। फिलहाल अजीत पुलिस के पकड़ से दूर है। SDPO ने बताया कि अजीत भी जल्द पुलिस की पकड़ में होगा। इसके अलावा गिरफ्तार अपराधी ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी है। घटना में भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले के कई शातिर बदमाश का नाम सामने आया है। वहीं अनुमंडल क्षेत्र के भी 4 बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसे गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। SDPO सतीश कुमार ने आपराधिक इतिहास की चर्चा करते हुए बताया कि रमेश गोस्वामी के विरुद्ध उदाकिशुरगंज थाना क्षेत्र में 4 और बिहारीगंज थाना क्षेत्र में 3 संगीन वारदात के मामले दर्ज हैं। पुलिस को इस अपराधी की तलाश पहले से थी। जानकारी के अनुसार रमेश के विरुद्ध उदाकिशुरगंज में आर्म्स एक्ट हत्या मारपीट लूटपाट व आर्म्स एक्ट बिहारीगंज में मारपीट आर्म्स एक्ट लूटपाट सहित कई मामले दर्ज हैं। 24 जनवरी 2022 दिन में लगभग 12:15 बजे के आसपास में उदाकिशुरगंज बाजार में एक महत्वपूर्ण घटना घट गई थी, जिसमें कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा लाल यादव मुखिया जी की हत्या कर दी थी। वो घटना बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज था। पुलिस ने उसको लेके बड़ी कार्रवाई करते हुए उसी समय कांड का अध्ययन कर दिया गया था। उस समय कुछ अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी भी हो गई। कल होली के एक दिन के बाद उसमें से एक महत्वपूर्ण अपराधी रमेश गोस्वामी, जो उदाकिशुरगंज थाने का ही पिपरा करौती का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई और इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता को स्वीकार किया है। और इन्होंने कुछ अन्य अपराधकर्मियों के बारे में भी बताया है, जो कि नवगछिया साइड के। पुलिस टीम लगातार इसमें आगे छापेमारी कर रही है और जो भी बचे हुए अपराधकर्मी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। और ये पुलिस एक इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही है। इनके विरुद्ध करीब 7 रमेश गोस्वामी के विरुद्ध करीब 7 लूट हथियार और आम सेक्रेटरी का में ये वांछित रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी से निस्संदेह इस क्षेत्र में बहुत ही शांति रहेगी। और इस टीम में गिरफ्तारी करने वाले जो भी टीम थी उसमें JP चौधरी जो थाना प्रभारी हैं उदाकिशुरगंज के, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छापेमारी में लगातार इनको ट्रैक किया जा रहा था। 4 थाना बिहारीगंज थाना एक बड़ी टीम, अनुमंडल के जो महत्वपूर्ण थाने हैं सभी को मिला के एक बड़ी टीम बनाई गई है और सभी लोग मिलजुल के किसी भी थाने का कोई भी केस हो उसमें जाके छापेमारी करते हैं और रिजल्ट देते हैं। सभी जो भी इसमें पदाधिकारी सिपाही कर्मी इसमें थे छापेमारी में, सभी को हम प्रशस्ति पत्र देने के लिए पुरस्कृत करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुशंसा करेंगे।